छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज यानी 7 नवंबर को शुरू हो गया है। पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान होना है। इन 20 सीटों पर कई दिग्गजों का भविष्य तय करेगी जनता, जिसके लिए वे सुबह सुबह अपने मतदान केंद्र पहुंच चुके हैं। बीजेपी उम्मीदवार लता उसेंडी ने कोंडागांव मतदान केंद्र पहुंचकर अपना वोट दिया। इस दौरान वो हाथ पर लगी स्याही दिखाती और लोगों को वोट देने के लिए जागरूक करती दिखाई दी। आपके माध्यम से सब जनों से, कोंडागांव की जनता से आशीर्वाद भी चाहती हूं कि आप मुझे इस क्षेत्र में सेवा करने का मौका। वोट देने पहुंचे कांग्रेस नेता मोहन मरकाम ने भी अपने वोट देने के अधिकार पर बात की। लोकतंत्र के महापर्व में पहला वोट मैंने दिया है और जनता से भी अपील करता हूं, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और अपना काम धाम छोड़कर मतदान करने पहुंचे। मुझे तो लगता है कि मैं तीसरी बार जीतूंगा और हैट्रिक बनाने में सफल होऊंगा। कोंडागांव विधानसभा में जो भ्रांतियां हैं कि दो बार से तीसरी बार नहीं जीतता, वो मिथक टूटेगा ऐसा मुझे लगता है। बस्तर के भानपुरी में मतदान शुरू हो चुका है। बीजेपी उम्मीदवार केदार कश्यप ने मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला। कांकेर से आ रही इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मतदान के लिए कितनी तैयारियां की गई हैं। सुकमा में भी मतदान केंद्र चुनावी त्योहार के लिए पूरी तरह से तैयार दिखा। नारायणपुर में भी वोटिंग को लेकर खास तैयारियां की गई हैं।